केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, और कहते हैं यहाँ की यात्रा आप तभी कर पाओगे जब केदारनाथ बाबा का बुलावा आता है। भारत के सबसे कठिन यात्राओं में से एक माने जाने वाले केदारनाथ की यात्रा आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ और मैं साथ ही साथ करने भी वाला हूँ। इस यात्रा में स्टार्ट करने से पहले आपको यात्रा में जाने से पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आपको करनी है और आपको कैसे जाना है वो पूरी जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। माना जाता है भारत में सबसे कठिन यात्राएं बहुत सारी है, उसमें गुजरात के गिरनार पर्वत की यात्रा, माँ वैष्णो देवी की यात्रा, अमरनाथ बाबा की यात्रा, कैलाश मानसरोवर की यात्रा और केदारनाथ की यात्रा का सबसे पहले नंबर आता है। उसमें से केदारनाथ यात्रा मैं तो अभी करने वाला हूँ, तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मुझे कुल खर्चा कितना लगा, केदारनाथ की यात्रा मैंने कब प्लान की थी, आपको कैसे प्लान करनी चाहिए, बेस्ट सीज़न क्या है, क्राउड कितना होता है, आपको दर्शन के लिए कितना समय लगेगा, वहाँ पे मैंने स्टे कहाँ किया था, ये पूरी जानकारी डिटेल में आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। साथ ही साथ आपको इस वीडियो में एग्जैक्ट कितना बजट लगता है, आपको एग्जैक्ट कितना टाइम लगता है दर्शन के लिए, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। बाकी ब्लॉगर्स की तरह आपको यहाँ पे 5-6 हज़ार में मैं आपको आइटिनरी बना के तो नहीं दूंगा, लेकिन बेस्ट कैसे हो सकती है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। दोस्तों शायद आपको पता ही होगा कि केदारनाथ बाबा का मंदिर साल में सिर्फ 6 महीना ही खुला रहता है और 6 महीना बंद होता है। अगर आप प्लान कर रहे हो तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि मई के मंथ में लगभग यहाँ पे मंदिर चालू होने की डेट पाई जाती है। वो अप्रैल के लास्ट वीक में भी आ सकता है या फिर मई के फर्स्ट वीक में भी आ सकता है। और मैंने मेरी जर्नी प्लान की थी केदारनाथ के लिए 24 मई से। तो शायद आपने न्यूज़ में वगैरह पढ़ा ही होगा कि केदारनाथ में इस बार बहुत भीड़ हुई थी और बहुत ट्रैफिक जाम भी हुआ था। दर्शन के लिए तो 7-7, 8-8 घंटे भी लग रहे थे। लेकिन आपको कब जाना चाहिए, कब प्लानिंग करनी चाहिए, कैसे डिटेल आइटनरी बनानी चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। ज़्यादातर लोग मई के मंथ में या फिर जून के मंथ में ही जाते हैं, तब लैंडस्लाइड होने के चांसेस बहुत कम होते हैं और बर्फ़ पिघल रही होती है तो आपको बारिश भी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप जुलाई के मंथ से अक्टूबर के मंथ तक प्लान कर रहे हो तो बहुत सारी बारिश के चांसेस होते हैं और बहुत सारे लैंडस्लाइड भी हो सकते हैं, लेकिन तब हालांकि क्राउड बहुत कम रहता है। लोग ज़्यादातर अक्टूबर के मंथ में भी प्रेफर करते हैं क्योंकि तब अक्टूबर हीट के कारण वहाँ पर बारिश भी नहीं होती है और वहाँ पर तब रश भी नहीं होती है। और नवंबर दिसंबर मंथ में ज़्यादातर बहुत ठंडी हो सकती है और दिसंबर के बाद तो मंदिर बंद ही हो जाता है। तो ये सारे मंथ है जब आप प्लान कर सकते हो। बेस्ट है कि मई के एंड में जाइए, तब क्राउड थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा लेकिन इन्वायरमेंट काफ़ी क्लियर रहेगा और आपकी यात्रा बहुत ही सुखद और अच्छी तरह से होगी। लेकिन अगर आप मई या फिर जून मंथ में जर्नी प्लान कर रहे हो या फिर किसी भी मंथ में प्लान कर रहे हो तो आपको लगभग 3-4 महीने पहले ही सारे बुकिंग करवा के लेनी पड़ती है। उसमें ट्रैवल की रहे, स्टे की रहे या फिर वहाँ के रजिस्ट्रेशन के बारे में भी रहे। वहाँ पे आपको अगर जाना है तो उत्तराखंड का रजिस्ट्रेशन आपको करवाना ही होगा। अगर आप चार धाम जा रहे हो तो चार धाम का भी रजिस्ट्रेशन आपको करवाना होता है। वो उत्तराखंड की पोर्टल पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। वो आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी कर सकते हैं, उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप आई बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रैवल की बात करें तो फ्लाइट रहे, बस रहे या फिर रेलवे रहे, उसकी भी बुकिंग आपको 4 महीने पहले से ही स्टार्ट करनी होगी। अगर आप केदारनाथ धाम हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो उसकी बुकिंग भी आपको irctc.heliservices से आपको करनी होगी। वो बुकिंग चालू होते ही कब ख़त्म हो जाती है ये तो पता भी नहीं चलता है। अगर आप किसी ट्रैवल एजेंसी से प्लान कर रहे हो तो वो भी आप 3-4 महीने पहले ही बुक करा सकते हो। एक और बात बताना चाहूँगा मैं दोस्तों, अगर आप डायरेक्टली केदारनाथ जाना चाहते हो और अगर आप ट्रेन प्रेफर कर रहे हो जैसे मैंने प्रेफर की थी, तो बराबर 120 दिन पहले ही आपको बुकिंग करवाना होता है। जैसे सुबह 8 बजे टिकट चालू होते हैं तो 5 मिनट के अंदर ही बहुत सारे मेजर ट्रेन्स के टिकट ख़त्म भी हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपका जो ट्रैवल डेट है उससे एग्जैक्टली 120 दिन पहले ही आपको बुकिंग करवाना है ट्रेन का हरिद्वार तक का।
हरिद्वार पे पहुंचने के बाद आप वहां से 24/7 बस सर्विस से आप केदारनाथ जा सकते हो। हालांकि बहुत सारे ब्लॉगर्स कहते हैं कि आप सुबह सुबह जल्दी निकलिए, लेकिन आजकल रास्ते अच्छे होने के कारण बहुत सारे बसेस 24/7 भी चलते हैं, तो आपको रात में भी बस मिल जाएगी हरिद्वार जाने के लिए। इसमें दो ऑप्शंस होते हैं, उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट की बस या फिर कोई प्राइवेट बस। बहुत सारे ब्लॉगर्स बोलते हैं कि आपको 600 में बस का टिकट मिल जाएगा, लेकिन वो उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट की बस का होता है, जो बहुत ही कंजस्टेड बस होती है अगर आपको फुल बस भर जाती है तो। 3x2 की वो बस होती है, लेकिन अगर आप प्राइवेट बस से जाना चाहते हो तो 700, 800, 900 में भी कभी कभी टिकट होता है। सबसे मेजर चीज़ है दोस्तों, अगर आप हरिद्वार से जर्नी प्लान कर रहे हो, आप प्री बुक बस का टिकट नहीं करते हो या फिर कोई टैक्सी बुक नहीं करते हो, तो आपको वहाँ पर जाने के बाद रेट कुछ अलग ही दिखाई पड़ेंगे। अगर आप बस से जाना चाहते हो, अगर आपको आगे वाली सीट नहीं मिलती है तो पिछली वाली सीट पर थोड़ा सा अनकम्फर्ट हो सकता है। उसके बाद अगर आप टैक्सी से प्लान कर रहे हो और प्री बुक नहीं करते हो, तो वहाँ पर जाने के बाद आपको बहुत सारा बार्गेनिंग करना पड़ सकता है। तब आपको अच्छे ड्राइवर मिलेंगे या नहीं, कैसे ड्राइविंग करेंगे, इसकी भी चिंता हो सकती है। और अगर दोस्तों आप बस से जाना चाहते हो, तो बस आपको सीतापुर बस स्टैंड पर छोड़ेगी। वहाँ से गौरीकुंड आपको जाना होगा। गौरीकुंड जाने के लिए सोनप्रयाग आपको जाना पड़ता है। सोनप्रयाग से आपको शेयर टैक्सी में आप गौरीकुंड जा सकते हो। वहाँ से आप ट्रेक करके भी जा सकते हो, लेकिन आगे 16 किलोमीटर का ट्रेक अगर आप अच्छे से करना चाहते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि तो ये ट्रेक आप अवॉइड करें, क्योंकि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट ट्रेक है और यहाँ से टैक्सी भी चलती है और ट्रेकिंग का मार्ग थोड़ा सा अलग भी है। और ये चीज़ याद भी रखें कि सीतापुर बस स्टैंड से सोनप्रयाग टैक्सी स्टैंड तक का डिस्टेंस लगभग 1.5 किलोमीटर का है और वो चढ़ाई वाला है, तो आपको थोड़ी सी मेहनत वहाँ पर करनी पड़ सकती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप सोनप्रयाग जा रहे हो तो वहाँ पे एक रात ज़रूर रुकिए। बहुत सारे सोलो ट्रैवलर्स रात में सोनप्रयाग में जाने के बाद इमिडिएटली ट्रेक चालू कर देते हैं, लेकिन ये बहुत रिस्की है चाहे कोई भी सीज़न हो, क्योंकि रात में ट्रेक अगर चालू कर रहे हो तो बहुत ठंडी बढ़ती है या फिर बहुत बारिश होने के चांसेस भी होते हैं। तो बहुत सारे लोगों को बीच में टेंट्स में कहीं पर रुकना पड़ सकता है या फिर स्लीपरी भी रास्ता हो सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ट्रैक दिन में या फिर सुबह सुबह होने से पहले ही चालू कीजिए। अभी बात करते हैं सोनप्रयाग में आप कहाँ स्टे कर सकते हो। सोनप्रयाग में रहे या फिर गौरीकुंड में रहे, दोनों जगह पे बहुत सारे होटल के ऑप्शन है, लेकिन गौरीकुंड के होटल्स बहुत ही ख़राब क्वालिटी के हैं और बहुत महंगे हैं। जैसे मैंने स्टे किया था गौरीकुंड के एक होटल में, जहाँ का रेट था 2500 रुपये सिर्फ 6 घंटे के लिए। मैं रात में 9 बजे वहाँ पे गया था और सुबह 4 बजे के आसपास मुझे ट्रेक चालू करना था, लेकिन उसने समय के लिए ही होटल वाले ने 2500 रुपये चार्ज किए। और अगर आप सोनप्रयाग में स्टे करना चाहते हो तो वहाँ पे अच्छे अच्छे क्वालिटी के आपको होटल मिल जाएंगे। जैसे जैसे आप हरिद्वार की तरफ जाओगे 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, तो आपको होटल और सस्ते मिलना चालू हो जाएंगे। जैसे गुप्तकाशी रहे, फाटा रहे, तो वहाँ पर आपको होटल थोड़े अच्छी क्वालिटी के भी मिल सकते हैं और थोड़ा रिजनेबल भी मिल सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग वो अवॉइड करते हैं क्योंकि सुबह सुबह बाद में फिर से लाइन में लगना अगर आपको पड़ सकता है, तो बहुत वहाँ पे लाइन होती है और बहुत वेटिंग करना पड़ सकता है गौरीकुंड जाने के लिए ही। और दोस्तों मैं जब गौरीकुंड गया था तो रात के 9 बजे ही सोनप्रयाग से मैं टैक्सी में गया था। तब जाने के लिए कोई भीड़ नहीं थी टैक्सी में, लेकिन वापस जो यात्री आ रहे थे उनके लिए बहुत वेटिंग थी। तो अब बात करते हैं कि आपका एक्स्ट्रा लगेज, आपके पास जो बड़ा बड़ा लगेज होगा वो कहाँ रखें। तो सोनप्रयाग में भी आप लगेज रख सकते हैं, गौरीकुंड में भी आप लगेज रख सकते हैं। जहाँ पे भी आप लगेज रखेंगे वहाँ पे आपको 100 रुपये में एक बैग का चार्ज मिलेगा, वो भी 2 दिन के लिए, जिस दिन आप रख रहे हो और उसके नेक्स्ट दिन। तीसरे दिन अगर आप बैग कलेक्ट करते हो तो आपको एक और दिन का चार्ज भरना पड़ेगा पर बैग। और अगर आपको पूरा लगेज लेके जाना है, तो जो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन आप लेके जा सकते हैं, आप पिट्ठू पे, घोड़े पे या फिर कोई पालकी में भी वो लगेज लेके जा सकते हैं। अगर आप ट्रेक नहीं करना चाहते हैं तो आपको ऑप्शन से पिट्ठू का, पालकी का या फिर घोड़े का। घोड़े का ऑफिशियल रेट है लगभग 3000 रुपये, लेकिन वो 3000 रुपये में नहीं लेके जाएंगे, 3-3.5-4000 भी वो डिमांड कर सकते हैं। अगर आप पिट्ठू से जाना चाहते हैं तो पिट्ठू के भी रेट्स अलग अलग हैं, पालकी के भी रेट्स अलग अलग हैं। बहुत सारी मेहनत वहाँ पे उन लोगों को करनी पड़ती है, इसलिए वो बहुत चार्ज लेते हैं और वो डिज़र्व भी करते हैं।
लेकिन दोस्तों पालकी रहे या फिर पिट्ठू रहे, थोड़े स्टैंडर्ड रेट्स वहाँ पर भी चलते हैं, आप थोड़ा जानकारी ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है आप कितना वेट उसके ऊपर कैरी कर रहे हो, तो वो आपका वेट और आपके साथ कितना वेट है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। आप अगर पिट्ठू से जा रहे हो या फिर पालकी से जा रहे हो तो 5 से 6 घंटे में ऊपर पहुंच जाओगे। अगर आप घोड़े से जा रहे हो तो आपको लगभग 3 से ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे भी लग सकते हैं और वो जल्दी जाओगे आप। अगर आप चलते हुए जा रहे हो जैसे मैं गया था, तो चलते चलते जाने के लिए 7 घंटे या फिर 8 घंटे भी लग सकते हैं अगर आप ज़्यादा रुकते नहीं हो। बहुत सारे लोगों के लिए उनके कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। कोई कोई लोग 6 घंटे में भी जाते हैं, कोई कोई लोग 12 घंटे में भी जाते हैं। तो अपनी स्पीड से जाइए, ज़्यादा स्पीड से मत जाइए क्योंकि बहुत जगह पे स्लीपर ही होता है, बहुत जगह पे घोड़े वाले पालकी वाले आपको टक्कर देके जाएंगे। तो आपको आराम से जाना है, आपकी स्पीड से जाना है। तीन किलोमीटर का ट्रेक हो गया है दोस्तों, ठीक है। ठंडा इन्वायरमेंट होने के कारण उतनी थकावट महसूस नहीं होती है, खा पी सकते हैं आप, बीच में मैगी नींबू पानी अच्छा रहेगा, एनर्जी भी आएगी, पार्ले बिस्किट का भी ऑप्शन रहता है। तो चलो ट्रेक को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों मैं सुबह निकला था सुबह 5 बजे और मैं पहुंचा था केदारनाथ ऊपर दोपहर के 1 बजे, और मुझे 8 घंटे लगभग लगे थे। और काफ़ी अच्छा ट्रैक का एक्सपीरियंस रहा मेरा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। आप काफ़ी ब्यूटीफुल नज़ारे वहाँ पे एंजॉय करके जा सकते हैं, रिवर वहाँ पे, ब्यूटीफुल माउंटेंस, ग्रीनरी, हेलीकॉप्टर आता जाता है, ये सारे व्यूज़ आप एंजॉय कर सकते हैं। हालाँकि चढ़ाई बहुत डिफ़िकल्ट है। दोस्तों रामबाड़ा तक आ चुका हूँ मैं, और देखिए मंदाकिनी नदी का फ्लो, बहुत सुंदर और खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ के। मैं भी एंजॉय करता हूँ और आप भी एंजॉय कीजिए। चलिए बोलिए जय केदारनाथ। बेस कैंप 2 किलोमीटर और मंदिर 3.5 किलोमीटर, बहुत चढ़ाई की, लेकिन अभी थोड़ी सी उतार है यहाँ पे तो थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा है। चलो करते हैं कंटिन्यू। केदारनाथ जाने के बाद अगर आपको वहाँ पे रहना है तो वहाँ पे भी रहने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है। टेंट के वहाँ पे आपको ऑप्शंस इजीली मिल जाएंगे, जो 500-600 में भी आपको टेंट मिल जाते हैं, लेकिन वो बेसिक क्वालिटी के होते हैं, छोटे टेंट 3-4 आदमी की कैपेसिटी वाले। बड़े बड़े टेंट्स भी है, जैसे मैं रुका था नंदी बेस कैंप नंबर 3 में, जिसका रेट था 900 रुपये, जो GMVN के अंडर आता है, और उसका बुकिंग मैंने ऑलरेडी पहले ही किया था जिसका रेट था 900 रुपये। वहाँ पे जो टेंट थे वो अच्छे क्वालिटी के थे। हालांकि एक प्रॉब्लम हर जगह हो सकती है, आपको वॉशरूम की सुविधा पास में नहीं मिलेगी, और अगर आपको गर्म पानी से नहाना है तो आपको 100 रुपये का बकेट लेना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों अभी दर्शन के लिए जाते हैं, तो दर्शन के बारे में जानकारी रहे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वहाँ पे प्रसाद कैसे मिलता है, कितना टाइम लगता है दर्शन के लिए, कहाँ से क्यू लाइन चालू होती है, कहाँ से रात में अगर दर्शन करते हो कितना टाइम लगता है, तो चलो ये व्लॉग में कंटिन्यू करते हैं।
सभी यात्रियों से अनुरोध है कि दर्शन टोकन प्राप्त करने के लिए अपना यात्रा पंजीकरण निकाल कर रखिए। चलो दोस्तों, मैं अभी दर्शन के लिए जा रहा हूँ। टोकन ले लिया है मैंने, देखते हैं कितना समय लगता है और एग्जैक्टली टाइम मैं आपको दर्शन के बाद बताता हूँ। सबसे पहले दर्शन बाबा के दर की। प्यास लगी थी तो पानी लिया है, नदी का ही लिया है, नल से आ रहा था। काफी स्वीट है और क्लियर है, ये भी आप यूज कर सकते हो। बिस्लेरी का 70-80 रुपए का बिस्लेरी लेने से अच्छा है मंदाकिनी नदी का ही पानी ले लो आप। सीपियों की ओट में शंकर तू बसा है उस तरह। जय बाबा केदार। तो केदारनाथ धाम में भी हमारे केदारनाथ के दर्शन हो चुके हैं। तो मेरे यहाँ पे दर्शन होते हैं 11 ज्योतिर्लिंग के, एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन बाकी है, वो भी मेरे YouTube चैनल पे जल्दी आ जाएंगे। तो बाबा केदारनाथ के भी दर्शन अच्छे से हो गए, 3 घंटे लगे लगभग, लेकिन काफी अच्छी तरह से हुए। श्रृंगार किया था बाबा केदारनाथ का, आरती की बात का। जय श्री केदार, जय श्री केदार। चलो जाओ, दे रूम हो रहा, जाओ था। दोस्तों ये है बर्फीला पहाड़ और मैं जा रहा हूँ बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए, जिन्हें केदारनाथ का रक्षक भी कहा जाता है। लेकिन अगर आप दर्शन के लिए आते हो तो मैं आपको लाइन बताता हूँ कितनी होती है। ये देखिए केदारनाथ का मंदिर, और अगर आप रात में लगते हो 7 बजे के बाद शाम में लाइन में, तो ओम के पास से लाइन होती है, ये रहा ओम। और अगर आप दिन में लगते हो तो ये देखिए लाइन कितनी बड़ी लगी है, और कहाँ से चालू होती है, वो वाले हेलीपैड से 5-6-7 घंटे भी लग सकते हैं दर्शन के लिए।
दोस्त मंदिर के पीछे भीमशिला है, यहाँ से इस रास्ते पे आओगे और इस तरफ चलोगे तो आपको आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति देखने को मिलेगी, यहाँ पे नीचे है तो वो आपको पता चल जाएगा। जरूर दर्शन कीजिए आदि शंकराचार्य जी के। जय श्री केदार। दोस्तों तो बाबा केदारनाथ के दर्शन मेरे हो चुके हैं, बाबा भैरवनाथ के भी दर्शन हो गए हैं और शंकराचार्य जी के भी दर्शन हो गए हैं। तो आपको इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अब टाइम है आपसे दूसरे वीडियो में मुलाकात करने का। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।